हेलो। कौन बोल रहे? अरे विनीत जी, मैं शाहबाज बोल रहा हूँ। वो शाहबाज कट भाई, गया आपका कॉल यार। वो दूसरा फोन ना मेरा थोड़ा खराब है, हाँ, ये मैं इसलिए कट अपने गया। स्टाफ के उससे कर रहा हूँ। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। हैप्पी न्यू ईयर टू यू बॉस। कैसे अभी हैं अभी क्या है मेरे को ना, भगवान के लिए आप? इसमें से मत नहीं फेंको। यार, मैं देखो देखो, देखो आई विनीत हैव जी, टोल्ड यू, लिसन टू मी। विनीत मैंने आज जी तक आप पे आप कभी पर्सनल नहीं कमेंट नहीं यार, मारा। देखो कोर्ट आप की प्रोसीडिंग अलग होती है, कोर्ट में 10 चीजें बोलनी पड़ती है, पहली यस चीज। यस दूसरी यस चीज, मैं केसेस कर रहा था उसके ठोक के पैसे लेता हूँ भाई। मैं कॉस्टली, मैंने अपनी कॉस्टली वकील हूँ, अपना विनीत भाई, टाइम दिया, 2.5 साल दिए, मेरिट यकीनन पे यकीनन, जो कर सकता था करा, अब लेकिन निकल जाओ। लेकिन विनीत भाई, मेरी बात सुनिए। आप इसमें थोड़ा आप भी पर्सनल हो गए थे, उसकी वजह से अपने में वो दादा चीज मैं हुई पर्सनल नहीं हुआ था, यार, आप थोड़ा याद हुए थे करो। ना यार। लेट स्टार्ट इट शुरू से। भाइयों की तरह बात कर रहे हैं मैं, यार अपन राइट, अब तो शुरू हम से बात करो। पहला मुझे हाँ के विनीत डांडिया औरतें सप्लाई अरे करता, तुम्हारे यार, उस वाले ने तुम्हारे फेसबुक पर डाला ना, मैं हाँ कभी पर्सनल नहीं देखो हुआ देखो आपसे। यार, मैं आपको, मैंने जब ही कहा विनीत भाई, वो उस दिन मैंने नहीं कोर्ट में डाला। जो हुआ यार, देखो आप क्या, ये बात खत्म करें, नया साल आ हाँ गया, चलो, नया लेट्स साल फिनिश आ दिस गया। नहीं, फिर। मैं आपको, नहीं आपको दिल में कोई बात मेरे भी नहीं रहना, क्योंकि आपका नहीं, मेरे दिल में कुछ नहीं है तो आपके। अरे क्योंकि दादा, कितना कुछ हुआ, मैं आपको लीगल नोटिस दे सकता था ना, कोर्ट में हाँ कह सकता, कभी किया हाँ नहीं। बिकॉज आप नहीं, फॉरगेट, मैं आपको शुरू आपने से कह रहा था, विनीत मेरी भाई, लड़ाई नहीं, आप समझो। विनीत भाई, आपने जिस दिन मुझे फोन किया, और मैंने उसी दिन वो पोस्ट जो है मुझे नहीं पता था, वहां हटा से दिया मैंने था, हटा दिया बात ना खत्म भाई। हो गई थी उसके बाद। देखो क्या, अब चलो हो सकता है गलती तुम्हारी भी रही, बट देखो मैं पर्सनल नहीं होता, आई एम अ लेकिन प्रोफेशनल, आपने कोर्ट में फिर वो काउंसिल बयान, मैटर है जब जब मैं निकाल दिया था, उसके बावजूद आप सिविल कोर्ट में आप उसको फिर दोहराया, राइट, क्या। रिमेम्बर राइट। नहीं, प्लीज उसमें फिर एक पूरी बात याद करो ना डार्लिंग, हाँ मैंने बोलिए। ये भी बोला था कि मैंने इनको माफ कर दिया, हाँ, मगर आप अपनी बात बात खत्म को हो कोई गई चीज, ना। और राइट सुनो राइट ना, बात खत्म हो गई ना भाई। क्यों, देखो अच्छा नहीं, मैंने उस दिन, विनीत अपन भाई जब फर्स्ट टाइम बिल्कुल, बात किए थे, व्हेन आई वाज एंग्री ऑन यू, या आई हैड टोल्ड यू लॉयर्स विल कम एंड लॉयर्स विल गो। नहीं, मुझे क्या था विनीत मेरी जी, अब पर्सनल देखिए, एक चीज थी, आपको ये षड्यंत्र। नहीं और सुनो, हाँ पहले मैं आपकी एक पिक्चर क्लियर कर दूं, कर दे, आपको अब तो हो गई बात कंफ्यूजन यार। है, नहीं हाँ कंफ्यूजन है आपको कुछ, आपने मेरी वाइफ और मेरे कुछ बारे में वो कंफ्यूजन था। हाँ लेट मी टेल यार, यू वन हाँ थिंग, हाँ जो यूके की कंपनी की बात करते हो ना ब्रो, वीर स्वराज कंपनी जो है, एक राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, मैंने अगले साल से PhD करने जाना है। ये मैं अभी वाओ, क्या, मैं दस अपनी ग्रेट, सारी दस ग्रेट ग्रेट। सारी मेरी वो प्लानिंग्स रिपोर्ट थोड़ी करूंगा नहीं देखो, नहीं पहला। नहीं नहीं वो तो बस ही है। हाँ दूसरी चीज, उसका कंपनी का आज तक कोई खाता भी नहीं खुला, आपके कहने की वजह से ना। मैंने ये रामकुमार साहब को सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे, हाँ पता अरे है, यार मुझे खाता पता तक तो साला पता है, खुला नहीं उन्होंने कहा कि उसका, अकाउंट ही नहीं करोड़ों खुला रुपए भाई। कहाँ से ले लिए। हाँ नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, और हमें सुनो लगा मेरी है बात, विनीत देखिए भाई, हमें अच्छा लगा, वकील क्या है, पर्सनली काम करता है। नहीं नहीं विनीत आप भाई, मुझे एंगेज करके देखो, आई विल नॉट वर्क कैजुअली फॉर यू, बट नाउ आई कैनॉट वर्क फॉर यू। सेकेंडली ये, कोई भी मुझे एंगेज करता, आई ट्रीट इट एज यस माई माई मतलब वेरी इंपॉर्टेंट केस। नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट में जो गवर्नमेंट लीडर है ना, सागर, उदय सागर एडवोकेट, जानते होंगे आप, ही इज वन ऑफ द माई क्लोज फ्रेंड बिफोर फ्रॉम द चाइल्डहुड, सागर अरे जो है। भाई शाहबाज खान साहब ना, मेरे को असदुद्दीन ओवैसी साहब से पर्सनल असद प्रॉब्लम साहब है, का इसमें कोई और ताल्लुक ही नहीं है रादर यार। लिसन टू मी, लिसन टू हाँ मी, असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी लोगों ने भड़काया, विनीत ढांडा आपके। अरे भाई विनीत ढांडा इज लाइक अ फिल्म एक्टर, इफ यू कास्ट मी इन अ फिल्म एंड पे या मी मनी, आई विल बिकम अ रेपिस्ट ऑल्सो। होता है ना फिल्म में, रेपिस्ट भी बना दिया हाँ, संजय दत्त को, मर्डरर भी बना दिया। जैसा कि इन लोगों ने, विनीत जी, मेरा मेरा वो था के बीच में, जब मौली थॉमस और वो कल्लूर की जो शबाना है ना, उन लोगों ने कहा कि आपने कुछ नहीं किया, विनीत डांडा ने आपके ऊपर सान पड़ा, पुलिस स्टेशन का झूठा एफआईआर करवाया। सुनिए, उन एक लोगों ने सेकेंड, मैं क्यों बताया कराऊंगा भाई, तूने मेरा क्या बिगाड़ तो रखा मैं है। बोला भाई, ये आदमी क्यों करवा रहा है, बोल के मुझे गुस्सा था यार। मैं साहब, अब तो खत्म हो गई ना बात, एक अब तो सेकेंड, सान बड़ा सीनियर PI, एक सेकेंड, वो केस तो आगे बढ़ा भी नहीं हाँ इन्होंने। लिसन टू मी, वकील का काम है कंप्लेन ड्राफ्ट कर देना हाँ ना, मैं उनको जानता। मैं यहाँ पे देखो दादा, मैं ये लोगों ने बहुत बातें की, आप ये देखो, पहले आप लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे, अब मैंने इनका केस छोड़ दिया, ये लोग कर रहे हैं। आई हाँ वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस शिट, टू बी ऐसे ऑनेस्ट। अब तो एक अजीब अजीब बातें कर रहे हैं आपके ताल्लुक से, तो नहीं करने दीजिए, करने नहीं दीजिए। क्या सान पड़ा का मुझे क्या बोला गया था, सान पाड़ा, पुलिस स्टेशन आपकी का। कंप्लेंट हो सकता है मैंने ड्राफ्ट की हो, दैट इज माई प्रोफेशनल जॉब टू डू, एंड प्लीज सी दी कंप्लेंट।
इन्होंने जो फोन नंबर बोले, पुलिस ने बाद में बोला साहब इन नंबर्स की तो लोकेशन ही यहाँ की नहीं है, तो मैंने कहा बात खत्म, डब्बे में डालो। मैं गया ना सानपड़ा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर से, मैं मुलाकात करा और मैंने भाई, इन्होंने देखो क्लाइंट का काम होता है, इन्होंने मेरे को बहुत चीज बोली, बहुत चीज सुनता है वकील, झूठ की भी गणित जी उसमें झूठ की भी हद होती है। मैं 20 करोड़ मांगा, कोई दुबई के नंबर से करवाया उन लोगों ने। वेदर एनी टाइम यू आर अरेस्टेड, वेदर एनीबॉडी बिलीव इट, नो, ये तो अल्लाह का एहसान था मेरे रब का। हाँ वो तो हो गया, लेकिन उन लोगों ने मुझे जब बोला था वो बोल रहा हूँ यार आपको, मेरे को आपके खिलाफ कोई इंटरेस्ट नहीं है शाहबाज भाई, मैं आपको आज बोल रहा हूँ। आपने अभी भी पीछे वो मेरी वाइफ का, मैं ये मैस से पर आप राम कुमार साहब से पूछना, मैं 1.5 महीने पहले दिवाली से पहले ही ये केसेस छोड़ना चाह रहा था। क्यों? उसका सुन लो रीजन। मैं लोगों की परेशानी नहीं देख सकता, पहला मैंने एफिडेविट इनकी रजामंदी से, आई वॉज बींग टोल्ड रेगुलरली के भाई आई वॉन्ट टू पे, ठीक है पे बाबा आप एफिडेविट जमा कर दो, आई डिड ऑल थिंग्स लीगल, मेरा और कोई काम नहीं है। हाँ मुझे जो है वो सौजन्या बोल के भी एक लड़की कॉल की थी मुझे बहुत दिन पहले। अरे दादा चलो छोड़ो ना, लेट्स नॉट टॉक अबाउट एनी बेटी, विनीत ढांडा, विनीत ढांडा के बारे में गूगल कर लेते, हीरा ग्रुप की वजह से मेरा नाम खराब हो गया, वरना मेरा नाम सुप्रीम कोर्ट के लायर है, आपको ये लोगों ने घसीट दिया इसमें, और आपने भी जरा, मैं 16 साल से इसको जानता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, आप ही नहीं करता। दादा बताता हूँ, वो 16 नहीं था, आई विल रेक्टिफाई दैट। 2009 में मिराज रब्बानी साहब है, इनके रिलेटिव है, ही वॉज कॉट फॉर मेकिंग हेट स्पीच इन 2009। मैंने उनका केस लड़ा था 2009 में, वो सक्सेसफुली उनको बेल दिला दिया था। आफ्टर दैट 2016 शी केम टू मीट मी एंड शी केम टू मीट मी फॉर अ गुड कॉज। अपना गुर्रम कोंडा में लेडीज को वर्शिप नहीं करने दे रहे थे, मैंने तो वो केस पकड़ा था भाई। अच्छा फिर आई वॉज टोल्ड, सर देखो आप सारी स्टोरी आपको नहीं सुना सकता, देखा आपका आपने बहुत गुड किया काम, बहुत समय मैंने देखा कि क्या रेफर डील का भी आपने स्टेटमेंट दिया, फिर आपके कोई थ्रेट का भी आपका एक वीडियो आया था मुंबई में, कुछ लोगों ने आपको फॉलो किया। अरे दादा सुनो मेरी बात, होता रहता है, लाइफ है, वकील है, अभी तुमको थ्रेट भी तो आती होंगी, मैंने भी तुम्हारी वीडियोस देखी, कोई आदमी बोला आपको मार देगा। पहले तो आप उनके साथ थे, आपको तो पता है कि इन लोगों ने क्या क्या कोशिश की। सुनो मेरी बात, लिसन लिसन शाहबाज खान साहब, सुनो मेरी बात, मैं सिर्फ अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी कर रहा था, हो सकता है ग्रू सीरियस आफ्टर पर्सनल अटैक्स, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, सेकेंडली आई हैव नथिंग टू डू विद यू और ओवेसी साहब का, एसीपी रामकुमार और अविनाश मोहंती साहब से पूछना। मैंने ये की आई लाइक हिज स्पीचेस, आई हैव अप्रिशिएटेड, ही इज अ फ्रेंड ऑफ 10 कॉमन फ्रेंड्स ऑफ माइन, बट अगर कोई केस आ जाता ना, तुम्हारे भी दोस्त हैं भाई मेरे, बहुत जो तुम्हारे खास दोस्त हैं वो मेरे भी दोस्त हैं, बट जब मेरे को एक वो दिया जाए, ड्यूटी दी जाए, आई हैव टू डू इट प्रॉपर्ली, करना पड़ेगा वो तो है। अब मैंने वो ड्यूटी अपनी कॉन्शियंस, मेरी कॉन्शियंस अलाउ नहीं करती, रोज मेरे को कॉल्स आते हैं, सर हमारा बच्चा बीमार है, भाई मैं 3 बार तो रोया हूँ, मैं नहीं, मैं बहुत सॉफ्ट आदमी हूँ भाई, वो तो समझ में आ रहा है, मैं सॉफ्ट हार्टेड हूँ और जाट आदमी हूँ, दिल से सोचता हूँ, दिमाग से कम सोचता हूँ, आई कांट सी पीपल सफरिंग, मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, शी इज बाउंड एज अ क्या कहते हैं, शी हैज टेकन इन्वेस्टमेंट, शी इज बाउंड टू गिव बिकॉज शी हैज गिवन स्टेटमेंट बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बाय वे ऑफ एफिडेविट आउट ऑफ हर विल, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं दिलाई, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने मुझे हटाया, मैंने छोड़ दिया, ये आप एसीपी रामकुमार साहब से पूछ लेना, पहली चीज। दूसरी चीज, ये कोई मर्डर केस नहीं चल रहे, लेन देन की बात है, जिस दिन लेन देन खत्म हो जाएगा उस दिन काम खत्म, हमारा भी मकसद यही है ना सर। पर बड़े भाई मैं अब इसमें नहीं रहना चाहता, फॉर रीजन, सिंपल रीजन है, अब तो देखिए मैं भी जो है आज के बाद से आपका नाम नहीं लूंगा, भगवान आपका भला करेंगे, आप हट गए ना यार, जब आप हट गए तो हमें ताल्लुक ही क्या, आप मेरे को 20 दिन हो गए हटे हुए, आपको शायद यकीन नहीं आ रहा, लेकिन आपके दोस्त है सबेरी साहब, हमें सबेरी जानते हो, हमें संजेरी सबेरी सबेरी, अच्छा हमें साबरी, हाँ राइट राइट साबरी, वो असद साहब के भी क्लोज है, ही इज नोन टू सुनील शेट्टी साहब, सुनील शेट्टी इज लाइक फादर फिगर टू मी, और एक दो बार मिले, उन्होंने भी मेरे को यही बोला कि साहब आपके खिलाफ कुछ नहीं, मैंने कहा भाई मैं ये केसेस नहीं लड़ना चाहता, उसकी रीजन है, वकील को दिखता है क्या चीजें हो रही हैं,
प्लीज समझिए, मैं वो सारी चीजें कमेंट नहीं कर सकता, बट मुझे दिख रही है। देखिए, अगर वो पे करते रहते आई वोंट हैव लेफ्ट देम। पे करते तो झगड़ा ही खत्म हो जाता था यार, एफआईआर ही नहीं होते थे। आज इन्होंने गली न्यूज वाले को लगा दिया मेरे पीछे। हाँ, मैंने देखा वीडियो के कहा कि आप जो है ऐसे आपके वैसे 100 वकील इसके आगे पीछे घूमते हैं और विनीत डाला को मैंने हटाया। 500 वकील सुप्रीम कोर्ट का लायर का मजाक है यार, सुप्रीम कोर्ट का लायर किसके पीछे फिरेगा, क्यों फिरेगा? नहीं नहीं, मैं कहता हूँ जी घूम लेंगे भाई, वी आर कंसर्न्ड अबाउट आवर प्रोफेशन। अच्छे काम के लिए मैं आपको अच्छे कामों की लिस्ट भेजता हूँ ना, जो मैंने करके दिए। नहीं मैं रफेल लिंक का देखा असद साहब का, और ये सब आया फॉर अ रीजन। आई वॉज बींग प्रोजेक्टेड, असदुद्दीन ओवैसी वॉन्ट्स मनी फ्रॉम हर। वो प्रोजेक्शन मेरी क्लियर हो गई ना भाई। हाँ, वो तो साफ हो गया ना, ये झूठ, ये तो यार इलेक्शन झूठ क्या है वो नहीं कह रहा मैं, सिंपल इतना कह रहा हूँ, मेरे को अब हीरा ग्रुप के केसेस, हीरा ग्रुप में, नोवेरा शेख में और उनकी फैमिली में या किसी में मैंने हाथ जोड़ लिए भाई। क्योंकि क्या है, स्ट्रेस लेवल ना, मैं तो तुम्हारी हिम्मत मानता हूँ, तुम्हारा इतना स्ट्रेस उठाते कैसे? अरे यार क्या क्या नहीं किया बोलो। पिछले 3 महीने से ब्लड प्रेशर 160/110 चल रहा है यार। मैं 2010 से बोल रहा हूँ कि ये पॉन्जी स्कीम है, इन लोगों ने रेप केस करवाया, फिरौती का केस करवाया, क्या क्या नहीं करवाया बोलिए। कोई भी सिंपल चीज है, पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही होगी इन्वेस्टिगेशन में। आज की न्यूजों में तो क्या आ गया पता है आपको? इनका टेररिज्म लिंक के बारे में बोल रहे हैं पूरे ETV9 ETV टेररिज्म लिंक के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी बात, मुंबई कुछ पुलिस ऑफिसरों ने इनको मदद की, वो भी नाम सामने आए हैं। आज तेलुगु न्यूजों में देखा हूँ मैं, मुझे तेलुगु नहीं आती, मैं आपको लिंक कॉपी वो करता हूँ आपको। भाई सुनो ना, अच्छी चीज भेजना, कभी कोई जोक भेजना हो भेजना, मैं नेक्स्ट टाइम तो जोक जरूर भेजूंगा आपको, ताकि आप हंस लो। यू सी, यू आर अ एजुकेटेड गाय, यू हैव अ गुड फैमिली, आई हैव कम टू नो यू आर अ गुड मैन, अंडरस्टैंड? आपका मेरा ना झगड़ा था है, नहीं नहीं, ना था ना होगा। जी आपका हमारा क्या होगा यार, खत्म हो गया, अंडरस्टैंड? जब मैं मुकदमे से ही निकल गया, मेरा लेना देना बात ही खत्म हो गई। विनीत जी आई एम सॉरी फॉर दैट, अगर मेरी तरफ से आपको कोई हर्ट हुआ है, मेरी तरफ से भी सॉरी, इफ यू फेल्ट वेल ऑन एनीथिंग, आपकी भाभी मां को भी बोलो। ये कहना मेरा उनसे कोई पर्सनल नहीं था भाई, इसमें मेरे को कल कोई 50 लाख रूपये देगा, 7 लाख देगा, ये हमारा असद साहब के पास जेन्युइन केस है, खिलाफ है। आई एम एक्साइटेड बट नाउ आई देखो क्या है, मेरे को सिंपल एक चीज चाहिए, मेरे को पीस ऑफ माइंड चाहिए 2019 में मेरा। आपको ये जो लगता है ब्रो, मैं दिल की बात नहीं बोल रहा, शाबाश, सच्ची बोल रहा हूँ, मेरी तरफ से तो बोल रहा हूँ, 2019 आई फेस फ्यू टफ टाइम्स। अच्छा, जब क्लाइंट आता है ना तो आदमी आउट ऑफ द वे भी थोड़ा बहुत चला जाता है, वो सिर्फ फीस के लिए, अंडरस्टैंड? और वो कोई गलत भी नहीं है, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, आप समझो। हाँ, वो तो आप हाँ। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स की, इन्वेस्टर्स की मुहिम थी ना, उसमें एफिडेविट फाइल कराने वाला भी नहीं था, ये तो बात तभी मेरे खिलाफ हुए हैं सब लोग। नहीं नहीं, अब इन्वेस्टर्स आपके खिलाफ नहीं है, अब तो वो लोग आपके खिलाफ अहम चला रहे हैं, कोई दिल्ली से, कुछ मुतीउर रहमान, कुछ नबी पब्ली, ऐसे कुछ कीड़े, ये लोग इनका क्या है, एवरी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, रिवर्स पब्लिसिटी हो जाएगी ना अब तो। देखिए विनीत जी, विनीत ढांडा की रिवर्स पब्लिसिटी वो इसलिए नहीं होगी भाई, मैंने सिंपल एक बात कही, आप पैसे देना शुरू करो बस, इसमें आपके खिलाफ हो गए वो लोग। हाँ तो, और मेरे खिलाफ मुहिम कौन चला रहा है, जो 50-100 ये है इनके, क्या कहते हैं ना, डीएसएस, इनका वार रूम है भैया डीएसएस का, 50 लोग ही कमेंट करते हैं, जहाँ शहबाज खान दिखा कमेंट करो। अब क्या कर रहे हैं, विनीत डाणा कर रहे हैं इन लोगों का। देखो जब ये कहानी खुल जाएगी ना, तब देखिए, इनका तीसरा हस्बैंड था याद है आपको, सलमान कुरैशी, चौथा बताए मुझे, चौथा मोहम्मद, ये चौथा के वक्त आप इन्वॉल्व है, तीसरे हस्बैंड जो था सलमान कुरैशी, उसके भाई की सस्पिशियस डेथ हुई थी। अच्छा, उसमें इसका मुलव्वस है ये, मैंने कंप्लेंट कर दिया है आज भी, मैंने आज एक्नॉलेजमेंट भी ले लिया हूँ उसका, कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। मैं शुरू से बोल रहा हूँ यार, ये पैसा बाहर चले गया, इस्माइल जो है तकरीबन 500 करोड़ से ऊपर पैसा लेकर हिंदुस्तान से बाहर चले गया, ख्वाजा अनवर के पास इनका पैसा है, आखिल के पास इनका पैसा है, ये पैसा लाने के लिए सीबीआई या एनआईए की इंक्वायरी जरूरत है इसकी, क्या बोलो? सिंपल बोलता हूँ शाहबाज खान, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल 3 जजेस के पास मैटर है, आप टेंशन ही मत लीजिए। मैंने ये अपने रिपोर्ट्स में भी बोला, हर जगह बोला, आई हैव फेस्ड देम दादा, प्लीज समझिए, उनकी इंटेंशन आर टोटली क्लियर। यू डिपॉजिट हाफ अमाउंट ऑफ द टोटल एलिजिड अमाउंट विच अमाउंट टू अराउंड 5,400 करोड़, वील थिंक ऑफ गिविंग बिल टू यू, दैट्स इट।
बात समझ गए। अब तो और बाहर चले गए ना, आप तो देखिए 1,70,000 लोगों का मिला है यार। विजय माल्या वापस आ गया, हर कोई वापस आ सकता है। और दुबई का तो लॉ स्ट्रिक्ट है ना। हाँ हाँ, वहाँ तो वहाँ भी कंप्लेंट हुई है। ये अटक क्यों जाएंगे? नहीं, आज उसने क्या कहा है विनीत जी, दुबई तो दुबई वाले दुबई में कंप्लेंट करके इनको गिरफ्तार कराएंगे। नहीं, वो दुबई जाए। देखिए आज का जो स्टेटमेंट दिया है उसने सलीम गली न्यूज वाले को, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो बात हैदराबाद इंडिया की पुलिस कर रही है, मेरे पास 1 रुपये का फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। वो लोग बोला, नोएरा शेख ने बोला गली न्यूज को, आई डोंट नो। दो आज बोला यार, नोएरा शेख से हटके कुछ भी बात करोगे मैं आपसे 4 घंटे बात करूंगा। उसका सिंपल एक रीजन है। और दूसरी बात, मेरी रिकॉर्डिंग में चलाइयो, हम दोनों भाई हैं। आज नोएरा शेख के बारे में आखिरी मर्तबा बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम मैं भी नहीं करूंगा। नेक्स्ट टाइम हैदराबाद आऊंगा, आई विल मीट यू, वी विल हैव कप ऑफ टी टुगेदर। आप समझे, विनीत ढांडा इज अ प्रोफेशनल दादा। और मेरे को क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, एक भेज देता हूँ कॉपी। नहीं नहीं विनीत जी, मैं तो बोल रहा ना, मेरी बेटी का, मेरी बेटी एमबीबीएस कंप्लीट करी अमेरिका में, उसका वो हो गया, मेरा बेटा एमबीबीएस फाइनल है। मेरे को हामिद भाई ने बताया। अरे मेरे घर में सारे डॉक्टर्स हैं भाई, अब क्या बोलूं, वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं बेवकूफ। लिसन टू सिंपल, एक चीज सुनो, मेरे को ये चीजें पता नहीं थी। सिंपल समझिए, आप मुझे देखो, आप मेरे पास क्लाइंट हो, आप मेरे पास आते हो, जितना दिखाओगे मैं उतना ही समझूंगा ना। जी जी, आप मेरी पिक्चर क्लियर होगी तो इवन आई एम इंटेलिजेंट इनफ आफ्टर पिक्चर क्लियर। हाँ, मुझे भी समझ में आ गया सब, अब ये कहानी क्या चल रहा है। मगर आपके बारे में बहुत बुरा बोल रहे हैं, देखिए तो बोलने दो दादा, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह देख रहा है सबको। जस्ट बिकॉज मैं आज से पहले, मतलब 20 दिन पहले तक तो मेरे से बड़ा वकील नहीं था। हाँ, विनीत डाणा के ये बोल रहे थे कि विनीत डाणा शहबाज खान को डंडा घुसा देगा। आज विनीत डाणा का मैं वही बोल रहा हूँ लोग को, विनीत डाणा ने पलट के तुम्हारे पास डंडा घुसा दिया है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने सिंपली मैं बोल रहा हूँ छोड़ दिया बस। आपने, आपका तो कहानी खत्म ही हो गई। कॉन्शियंस नहीं अलाउ करती शहबाज खान साहब कि मैं किसी पुअर आदमी की सफरिंग देखूं। एक मेरी वाइफ एक दो बार इनसे जेल मिलने गई, तो बाहर 2-3 लेडीज इतना रोई, मेरी वाइफ 2 दिन तक उसका खाना नहीं खाया। हम लोग डिफरेंट टाइप के लोग हैं भाई, हमें नहीं पता चीजें। मुझे नहीं, मैंने यूनुस ने बताया कि वो बॉम्बे के वो दवाखाने से भाग जाने की बात कर रही थी। मतलब कहाँ भागती भाई, कहाँ भागेगी, कब तक भागेगी? कोई किसी को भागने ना देगा। आप कहाँ होगा, आप कानून पे भरोसा? लेकिन विनीत जी कानून पे भरोसा यकीन, लेकिन इसके पीछे की जो ताकत है, ये अकेली औरत तो इतना बड़ा काम करी नहीं यार। मेरा डाउट क्या है विनीत जी, कि इसको जेल में या जेल के बाहर इसको खत्म कर देकर कहानी खत्म कर दी जाएगी और ये पूरा एपिसोड खत्म हो जाएगा। देख ले, देखिए सर, ये ना आप सोचो, उसको प्रोटेक्शन पूरी है। रादर मैंने तो एक एप्लीकेशन ऑलरेडी होम मिनिस्ट्री में, जब व्हेन आई वाज डूइंग हर केसेस ना, तभी मैंने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की डिमांड की थी, पहली चीज। दूसरी चीज, ये गवर्नमेंट का लुकआउट है, आप और मैं इसमें ना जाएं, काम का मैं, आप और मेरे पे कुछ हो जाएगा, चुप रहो ना। हाँ, ये तो है। नहीं, लेकिन जो है हमारे भी तो बाल बच्चे हैं यार। मैं तो भाई बिल्कुल, आप तो देख रहे हैं मेरे को, मैं कैसा कर रहा हूँ। नहीं, आप कर रहे हो, बट प्लीज अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट पुट योर किड्स इन डेंजर, चाहे वो बड़े भी हो गए, यू कैन नॉट पुट देयर लाइफ इन डेंजर। ये लोग तो जो है मारने की भी कोशिश करे हैं। देखो हैदराबाद में, हैदराबाद को राखे साइया मार सके ना कोई शहबाज खान। आप सर, आपको तो पता है ना सर, ये लोग तो जो है कोशिश तो करे हैं और करते रहेंगे। ये लोग नहीं पता देगी, अब तू मेरे मुंह से, मेरे ऐसा मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ। देखो यार, मैंने एफआईआर करवा दिया है। मैं जो है थ्रेट इनसे, मेरे को जो है जान की धमकी आई बोलकर, हमारे नगर पुलिस स्टेशन में मैंने एफआईआर करा, आपको पता है। पुलिस इज इंश्योरिंग एवरीबॉडीज प्रोटेक्शन, यू डोंट वरी, आप समझ जाओ। और आप, आपने मेरे बारे में बोला, कुछ बोला, मैं भूल गया उस बात को। पॉजिटिव माइंड से आप भी वैसे रहो। आज के बाद से मैं आपके बारे में बोलूंगा, अगर व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करूंगा तो आपको जोक्स या अच्छी चीजें भेजूंगा। हाँ, भेजो कोई। आई एम सी, मेरी एनिमिटी नहीं थी आपसे, ना है ना होगी, ना असद साहब से थी, ना है ना होगी, ठीक है। और भी इस केस में मैंने भाई, मैंने तो इवन डीसीपी को भी नोटिस दिया, सीपी को भी दिया, सब दिया। वो मेरी प्रोफेशनल ड्यूटीज है, प्लीज समझिए। जब मैं आउट, तो मेरा किसी से क्या लेना देना, मेरी तो फैमिली में आईपीएस ऑफिसर्स भी हैं।
आई एम मैरिड इन आईपीएस फैमिली, बट आप लोगों को जो गलत फहमी किसी ने डाली ना मेरे बेटों के, मैं आपको कहोगे प्रूफ भेज दूंगा, साला अकाउंट तक नहीं खुला, तुमने मेरे पे बोल दी 1 करोड़ रुपए। आप बोलो विनीत जी, आपका तो ये बात हो गई, आप बोलो ये एबीएम अरशद बशीर मदनी की कंपनी है और ये आखिर है ये अरशद बशीर मदनी एक प्रोमोटर है, इनका कनाडा चले गए भाई। सुन मेरी बात, इस्माइल शेख को इनके बिजनेस के बारे में पता है कब से पता चला है? मैं शाम के टाइम बैठा हूँ, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, 2 महीने पहले जब इसको अरेस्ट किया है तब देन आई केम टू नो अबाउट ऑल दी प्रोसीडिंग्स, और शी नेवर टोल्ड मी एनीथिंग, वो क्लाइंट टेल्स हिज लॉयर, आई नेवर केम टू नो एनीथिंग फ्रॉम हर। ये डिटेल सारी मुझे पुलिस ने दी, आईबी ने दी, सीबीआई ने, आईबी और रॉ ने दी। अच्छा, अब तो साबित हो, अब तो ये लोग आज भी प्रोपोगंडा क्या कर रहे हैं विनीत जी, कि आपके आपा बाहर आ जाएगी, आपा के ऊपर कोई चीज साबित नहीं, नहीं, नहीं सब सही है। 4,000-5,627 करोड़ का हाफ पैसा दे दो या जो भी होगा वो दे दो। पैसा तो ये लोग बाहर भिजा दिए विनीत जी, आपको भी पता नहीं है ये बात का, इनका भाई जो है इस्माइल, इनका जो छोटा बेटा है कय्यूम, ये लोगों ने पैसों को बाहर भेज दिया है, अब ये लाने के लिए सीबीआई की हम इसीलिए मांग कर रहे हैं। मेरे जान में एक चीज बोलूं, वो लोग इंडिया में ही है, वो कोई बाहर नहीं भागे, सिर्फ उसकी एक बहन भागी है जो मेरे को नॉलेज है, बाकी आई डोंट नो। अरे सौजन्या उसके उसकी तो गर्लफ्रेंड है साइरा की, हाँ तो उससे पूछना, वो सब बता देगी तुझे। सौजन्या कॉल्ड सौजन्या ने आपको क्या कॉल किया था के ये दिल्ली में है सो जो है ये खबर दी थी, और उसको कुछ प्रेग्नेंट थी या कुछ था उसका प्रॉब्लम था, कैन यू हेल्प मी आउट, इंटरनेट के नंबर से की थी उसने फोन, पता नहीं सौजन्या नाम बताया कौन प्रेग्नेंट है सौजन्या, शायद वो ऐसी कुछ बोल रही थी, नेट कट रहा था, तो मैंने कहा मैडम आप जो है नंबर अपने नंबर से करिए, आप इंटरनेट के नंबर से मैं बात नहीं करूंगा। वो तो दुबई गई हुई है उसके पास। अच्छा, ये आपकी बात नहीं है सर, ये 2 महीने पहले की बात है भाई। मैं जो 4 दिन पहले, क्या इंस्टा बहुत फेमस चीज है, इंस्टा पे उसको फॉलो करो। ओके, बट शी वाज हिज गर्लफ्रेंड, दिस वी नो, बैंगलोर में इलेक्शंस में दिखा था। अरे अब्दुल रहमान तो अफ्रीका में है, उसका एक भाई जो अब्दुल रहमान है उसने मुझे कॉल किया था, वो अफ्रीका में। दादा देखो क्या है, इनकी इन स्ट्रेस में अपने को पढ़ना नहीं, अपन छोटे लोग है। सच्ची बताऊं, मैं अपनी बहुत डिसेंट प्रैक्टिस 17 साल में बनाई है। मैं ये हो भी इसलिए गया, सुन लीजिए किस लिए हो गया, इतना लंबा क्यों खींच गया, एज अ ब्रदर बता देता हूँ, ये समझ लेना। पहला केस जो मैंने इनका किया था वो थी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अगेंस्ट फ्यू पीपल इन गुर्रम कोंडा, वो अच्छा। वहां की लेडीज को पूजा पाठ नहीं करने दे रहे थे, तो मैंने उनके राइट्स रेस्टोर कराए थे। ओके, फिर मेरे फ्रेंड्स फिल्म एक्टर्स हैं, उनका थोड़ा इन्होंने हेल्प किया। उसमें हमारा देखो क्या, अपने को मेरी थोड़ा फेस वो होती है कि जी ओपनिंग कर रहे हैं आप भी आ जाना, अब अपने को इतनी नॉलेज नहीं ना शाहबाज भाई। हाँ, ये आपको ये अंदर की बातों का उस वक्त पता ही नहीं था कि इतना बड़ा स्कैम चल रहा है। अभी भी पता नहीं था, अभी भी पता नहीं था, ये तो मेरे एक्सपोज करने के बाद से शुरू हुआ था। राम कुमार साहब के पास मैं बैठा हूँ, राम कुमार साहब से मैंने पूछा, मैं सर एनलाइटन नहीं, प्लीज एनलाइटन मी, क्योंकि कहीं मुझे लग रहा है मैं कहीं गलत जा रहा हूँ तो वो बता दीजिए, सही जा रहा हूँ तो वो बता दीजिए। देन ही इन्फॉर्म्ड मी एज, मतलब जो एक नॉर्मल वो होता है ना कि जो उन्होंने एफिडेविट फाइल किया था कोर्ट में, वो मुझे दिखाया, आपने ये पढ़ा है? मैंने कहा ये तो आपने अभी दिया ना मुझे, कहते इसको पढ़ लो। तब मेरे को थोड़ी पिक्चर क्लियर सी, मैं वो एफिडेविट था जो नामपल्ली कोर्ट में उन लोगों ने दाखिल किया था, एफिडेविट वहाँ इन्होंने स्टेटमेंट दी थी वहाँ पे कोर्ट में, और वहाँ एफिडेविट भी फाइल हुआ था जी। हाँ, पता है मुझे हाई कोर्ट में जी। तो अभी क्या है, देश के लिए वो एफिडेविट में ये लिखा है, ये देश के लिए खतरा है बोल के भी लिखा हुआ है। एग्जैक्टली, तो अब जो बोला देखो क्या, मेरी भी फैमिली ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल पे लोग हैं, आईपीएस सीनियर, मैंने भी फिर दिल्ली जाके पूछा, मैंने कहा साहब देखो मैं ये केसेस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, प्लीज इन्फॉर्म मी व्हाट इज दी, क्योंकि मेरी क्लाइंट मुझे नहीं बता रही है। देन दे शोड मी सर्टेन पिक्चर, दे इन्फॉर्म्ड मी एवरीथिंग व्हाट एवर इट वाज, स्टिल आई कंटिन्यूड, स्टिल मैं वो नहीं बता सकता आपको, स्टिल आई कंटिन्यूड फॉर अ रीजन, शी वॉज रिपीटेडली टेलिंग मी मैं पैसे देना चाहती हूँ।
मेरे को 200 करोड़ का प्रॉमिस हुआ था, ये मैंने न्यूज में भी बोला, हाँ, सुना आपको भी बोला 200। मैंने कहा ठीक चलो 200 करोड़ दो लोगों के, कुछ लोगों के तो आंसू पूछेंगे। मैं ये समझ रहा था कि गली न्यूज आपके थ्रू इनका आदमी बन गया, लेकिन अब जो आपके खिलाफ बोल रहा है तो अपना कोई आदमी नहीं है। अपन सिंगल वो है, आई हैव अ लॉ फर्म ऑफ 60 पीपल, बट अपना ये कोई मेरा, देखो दादा मेरे को बहुत चीजें बोली गई, आप ये वो कर दो, ये सेटिंग कर दो। मैं कहा भाई इतनी सेटिंग में तुम्हारा इंटरेस्ट है, डायरेक्ट पैसे इन्वेस्टर्स को दे दो ना। मैंने आईओओं को भी पैसा खिलाने की कोशिश की, बहुत कुछ किया है मैंने। कोशिश क्या की, खिलाया होगा ना। हाँ खिलाया, पूना में। आप ही तो कह रहे हो कि उनकी बारे में TV9 बोल रहा। हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट किया हूँ इनकी हैदराबाद की बेल के ऊपर, और आपके 12 लाख की मुझे पूना की इन्फॉर्मेशन थी आईओ की, तो वो मैंने पूरे चीना लिख कर जो है। और अभी जो इसको लेडी को घेर के बैठे हैं, वो तो कहते हैं ये AIMIM के लोग हैं। मुझे नहीं पता उसकी रियलिटी, बट जो टीम काम कर रही है आई हैव नो आइडिया हु दे आर। देखो विनीत जी, अगर AIMIM काम ये करती तो बम्बे में वारिस पठान जी काम करते, औरंगाबाद में इम्तियाज जलील जी काम करते। हाँ ये भी बात है, आप सोचिए वो लोग काम कर रहे क्या। ओ तो क्या है, बात कहाँ से खराब हुई मैं बताता हूँ। शी वॉज प्रोड्यूस्ड इन औरंगाबाद, और तब मेरे को मैंने पूछा कि जी 200 करोड़ आपने बोला था, तो इस्माइल शेख स्टॉप टेकिंग माई कॉल्स, देन आई स्पोक टू दिस, इनकी एक और लेडी है वो शबाना, क्या नाम है, कौन सी शेख है वो, शबाना शेख, तमन्ना शेख, तमन्ना शेख एडवोकेट, वो इसकी कजन है दूर की शायद। नहीं सर, तमन्ना शेख पहले तो दूसरे रिलीजन की थी, शी इज कन्वर्टेड, देन रिलीजन कैसा दोस्त होगी, इनकी रिलेटिव कैसा होगी, ये बोलिए। मुझे नहीं पता, उसने उनको कुछ फीड इन किया, उसके बाद सब टेवर बदल गए कि जी हम पहले बेल कराओ फिर बाहर आके पैसे देंगे। मैंने कहा जी ये रही आपकी फाइलें, और ये कह रहे एक चीज और ये चला रहे हैं, आप जरा क्लियर कर देना। आप तो बोलो बोलो, आप बोलो। ये कहते हैं जी मैंने NOCs नहीं दिए, ठीक है। हाँ बोले, सुनो मेरी बात, NOC मेरे को देने की जरूरत नहीं है, फॉर अ रीजन, सुप्रीम कोर्ट का केस डिस्पोज हो गया है। हाँ, वो उसमें तो मेंशन NOC करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कहा ना सर कि मैं इंटरवीन नहीं करूंगा, और ये पैसे जो है तो उसमें अभी मैं NOC क्या दूं, जो केस ही खत्म हो गया, आप फ्रेश फाइल करो, यू कैन फाइल फ्रेश। सेकेंडली अब तो 3 महीने, मैंने उदय सागर एडवोकेट से बात की सुप्रीम कोर्ट में, हाँ। तो उन्होंने कहा कि 3 महीने तक शाबाश ये लोग कोई चीज फाइल नहीं कर सकेंगे। फाइल नहीं, देखो दादा आपको पता नहीं, उदय सागर साहब, मैं तो कोर्ट में खड़ा था ना, दी ऑनरेबल जजेस आर वेरी क्लियर, दे सेड सिंपल वन थिंग, यू पे पीपल देन कम फॉर पे। सही बात है, आर देर नॉट राइट, दे आर राइट, दे आर राइट। तो अभी इसीलिए तो आपके खिलाफ हो गए ना, एंटीसिपेटरी बेल कराई, इसीलिए तो आपके खिलाफ हो गए ना ये लोग। कोई नहीं दादा, देखो क्या है, खिलाफ वो खिलाफ इसलिए हुए हैं, दे वर टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड, प्लीज अंडरस्टैंड। विनीत ढांडा हमारे लिए कुछ भी करेगा भाई, विनीत ढांडा इज अ प्रोफेशनल। विनीत ढांडा देखिए, वी आर ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट ऑल्सो, प्लीज अंडरस्टैंड, मेरी ड्यूटी अकेली नोवेरा शेख की तरफ नहीं, कोर्ट की तरफ भी है, कम्युनिटी की तरफ भी है, सोसाइटी की तरफ भी है। मैं अंधा होके चीजें नहीं लड़ सकता ना। मैंने सिंपल एक चीज बोली, मैंने वो रामकुमार साहब को भी बोली थी, इफ दे डिपॉजिट, आज तक मेरे को लॉलीपॉप, मतलब जब तक मैंने छोड़ा नहीं था तब तक, और गली न्यूज वाला भी मेरी बात उछाल रहा है, क्योंकि ही वॉन्ट्स टू बाय टाइम फॉर दीज पीपल फॉर 20 डेज मोर, मेरे बारे में टॉपिक चालू करा के। अदरवाइज गली न्यूज वाले को तो इन्वेस्टर्स की बात करनी चाहिए ना, इन्वेस्टर्स वो क्या कर रहा है, वो तो इन्वेस्टर्स की बात है, आपकी तबीयत कैसी है, आपको टक्कर हो गई, वो ये पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि आप पैसा कैसा देंगे इन्वेस्टर्स के, ये नहीं पूछ रहा है बेचारा वो। नहीं नहीं ब्रो, ये तो एजेंसी अब देखो क्या, दे आर नॉट एक्सपेक्टेड, आई थिंक दे वर थिंकिंग के नामपल्ली से बेल मिल गई, देखो हाइड आउट, बट वो हुआ नहीं, बॉम्बे पुलिस वॉज वेरी इंटेलिजेंट, बॉम्बे पुलिस ने बहुत बेहतरीन काम किया, अनएक्सपेक्टेड हो गया इनके लिए। नाउ व्हाट इट इज कि नाउ यू पे एंड कम आउट, ये कोई मर्डर केस नहीं है कि फांसी होनी जरूरी है, आप पैसे दे। इन लोगों को पता ही नहीं है कि इनकी इंक्वायरी NIA ने शुरू कर दी, और आपके आंध्रा में इनके ऊपर जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आज आपने मेरा लाइव नहीं देखा होगा कि आंध्रा में जो है इनके ऊपर जो है 2-3 मर्डर केसेस में इन्वॉल्वमेंट इनका, और ये सलमान कुरैशी जो तीसरा हस्बैंड है उसके भाई का सस्पिशियस डेथ पे भी इंक्वायरी शुरू हो गई। देखो दादा, पुलिस जब तक खोदती नहीं है ना,
अब तक चुप है, एक बार खोद डाला शुरू हो गया, कबर खोद के कबर में डाल देती है। देखो पूरे देखो हिंदुस्तान की पुलिस बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन अभी तक इन्होंने इसको नहीं देखा था इतना दर से। अब काम शुरू हो गया है, किसी को अंदाजा ही नहीं था शहबाज भाई। हाँ किसी को नहीं था, लेकिन मुझे था सर। मैं हमेशा एक बात सुनिए विनीत जी, ये लोग क्या करते थे, कभी कभार ना घर में तारीफ करता हूँ, और खबरदार आपने हमारी रिकॉर्डिंग कहीं चलाई, मैं आपसे लड़ पड़ूंगा। पर मैं आपकी घर में तारीफ करता था, मैंने कहा यार इस बंदे में गट्स है यार, शुरू में जी कि मतलब डिस्पाइट गेटिंग स्टे ये बंदा चुप नहीं हो रहा, कुछ तो बात है। मैं बोलता था अपनी फैमिली को, मैं कहा यार ये बंदा स्टे होने के बाद चुप नहीं हो रहा, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। एंड आई गॉट माई आंसर्स फ्रॉम दिल्ली। जब मुझे मेरे एडवोकेट मसूद खान ने कहा कि तुम कुछ नहीं बोल सकते, मैं हक बोल रहा हूँ, मेरी जमान पे आप पाबंदी आयद नहीं कर सकते। अरे भाई जजेस आप सुनिए आप मेरी बात, आपके केसेस तो भूल जाओ, क्योंकि अब तो पुलिस बीच में आ गई ना। हाँ पुलिस ने पूरा वो आपका केस या असद साहब का केस, दैट हैज नो वैल्यू लेफ्ट। अब तक वो केसों का रहा ही क्या भाई, कुछ भी नहीं। हाँ बट अभी ये है, आप अपनी थोड़ी सेफ्टी का ध्यान देना। हाँ वही मुझे वही कंसर्न है यार, मुझे अपनी भी कंसर्न है ना, आप भी करना चाहिए सर, क्योंकि सुनो अब उन लोगों के लिए तो दो ही टारगेट है। मैंने आपको खाली ये चीजें सोच के, उन लोगों के पूरे रिकॉर्डिंग देख के, मेरे पास भी कुछ उनके अंदर के लोग, मेरे पास भी आज तक इंटरनेट से कॉल करके बोलते हैं राइट, उन लोगों की बातों से जाहिर हो रहा है देर आर ओनली टू टारगेट्स, एक शहबाज खान एक दूसरा विनीत डांडा। अब तो ये नहीं वो लोग देखो यार मरता क्या नहीं करता, ऑलरेडी क्या है उनके इतने बड़े एम्पायर की धज्जियां उड़ गई, उनके इतने बड़े एम्पायर की धज्जियां उड़ गई, वो लोग कुछ भी कर सकते। देखो उनको भी बेटे हैं, भाई है, फॉलोअर्स हैं, दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन नॉट डू एनीथिंग। उसका सिंपल एक चीज बताऊं, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं चाहता yes, भाई मैं तो शुरू से बोलता हूँ ना, मौत से एक सेकंड पहले नहीं आएगी ना एक सेकंड बाद में आएगी। आई हैव माई डाउट्स, आई डोंट डाउट एनीबडी, बट ये कि आई हैव माई पुलिस प्रोटेक्शन इन महाराष्ट्र। और देखो भाई हम जाट के लड़के हैं, हम तो घर में घुस के मारने वाले लोगों में से, हमें मारने कोई आएगा तो हम छोड़ थोड़ी देंगे। आप एज अ ब्रदर मुझे सजेशन दीजिए कि इट्स थ्रेट फॉर मी और नॉट और वट एवर, ब्रदर आई एम नॉट सेइंग यू आर थ्रेट, आई एम सेइंग टेक प्रिकॉशंस। आप अपना देखिए, इनिशियली थिंग्स वर डिफरेंट, नाउ You are the basic reason of all this mess which has happened. As per them, yeah, वो तो मैंने ही एक्सपोज किया है। दो जने और हो सकता है तीसरा, अब क्या है, हो सकता है मैं कंटिन्यू करता ना तो ये दो चार महीने और बात खिंच जाती, बट एट दी एंड मैं किस मुंह से कंटिन्यू करूँ जजेस के आगे। मैंने खत्म कर दिया, जजेस के पैसे दो और भाई मेरा हो गया एलिगेंट एग्जिट। आई वॉन्टेड मेरी मैं और मैं उसी तरीके का हूँ। आप लोगों को शायद गलत फहमी हो गई थी कि पता नहीं ऐसा, इन्होंने कोई पैसा भी नहीं दिया भाई, और मैं पर अपीयरेंस बहुत बहुत पैसे लेता हूँ, तो मैं दो दो महीने रहा हूँ जब ये अरेस्ट हुई है ना। आज चलिए अपनी बात हो गई, मैं आज के बाद से आपका कोई चीज लिया मिलेगा तो अच्छा ही मैं एनओसी वाली क्लियर करके लो, मैं एनओसी वाली भी कर दूंगा, और आपकी जो है सुप्रीम कोर्ट में आप सिंपली बात क्यों नहीं पूछते सिंपल इनसे, आप सिर्फ एक टाइम पे बात पूछो, आप और कुछ मत पूछो, यू हैव नो बिजनेस अदरवाइज। आप इन्वेस्टर्स का पैसा की बात क्यों नहीं कर रहे गली न्यूज और बाकी सब? आप मुद्दा क्या है, विनीत भांडा शाहबाज खान थोड़ी है यार मुद्दा, यही है इनके पास। देखो भाई इनको पूछते हैं आपकी टेक्सटाइल की फैक्ट्री कहाँ है, तो ये बोलते हैं शहबाज खान रेपिस्ट है। घाना से सोना कौन से एयरपोर्ट पे लाया, शहबाज खान लैंड ग्रैबर है। पुलिस की आपकी कारोबार कहाँ पे है, ये बात है लैंड ग्रैबर है तो पुलिस का काम है ना, देखेंगे। जैसे मैं आपको नहीं बोलता था कि भाई शहबाज खान साहब अगर कुछ है प्रॉब्लम तो वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ना। हाँ। अब आ गई ना सब पिक्चर, तो सब आ गई है, अब तो सब आ गई है, इनके मर्डर्स की तहकीकात हो रही है, सब चीज हो रही है। अब तो ये मर्डर्स का क्या है मुझे भी तो बता थोड़ा, मुझे तो कुछ नहीं, मैं तो घर के मारे यूट्यूब नहीं खोलता, पता नहीं कौन क्या बोल रहा होगा। नहीं ये क्या है, इनो जो है चित्तूर की डिस्ट्रिक्ट की है, इन्हें वहाँ पे एक मस्जिद का लिटिगेशन था पहले। अच्छा उसके बाद वहां से कहानी शुरू हुई। मेरे पास ये जो है इसके पहले शोहर का नाम, दूसरे शोहर का नाम रहमत पीर, तीसरे शोहर का नाम सलमान कुरैशी, और फोर्थ हस्बैंड का नाम सलमान कुरैशी वो था ना जिसके ऊपर 20 kg और किडनैपिंग का हुआ था। बेटी का जो ये बेटी को जो गोद ले लिए थे बाद में एक बॉम्बे के अनाथ आश्रम से। बॉम्बे के अनाथ आश्रम से मतलब वो जो सोहा बची है वो इनकी नहीं है? नहीं उसको अडॉप्ट किया गया है।
किसने अडॉप्ट किया उसको? ये नोएडा शेख और सलमान कुरैशी ने। अच्छा मतलब दे वर नॉट एबल टू हैव चिल्ड्रन, तो दे अडॉप्ट तो नहीं, क्योंकि पहले से नोएडा शेख को दो बेटे एक बेटी है ना, वो पहले हस्बैंड से है, दूसरा हस्बैंड रहमत पीर था। आपको जोक बताऊं, यू लाफ, मतलब गिर जाओगे नीचे अभी। मैं ये CCS वाला जब, मतलब ये आपको कब की बता रहा हूँ, मैं अभी दो तीन ढाई महीने पहले की बता रहा हूँ, मैं वो अपनी क्वेशिंग ऑफ FIR की आर्गुमेंट करा के नोटिस करा के निकला। आई वॉज इन्फॉर्म कि वो अबू बाकर है एंड ही इज द सन ऑफ मैडम। मैंने कहा मैडम की तो एक ही बेटी है ना, मेरे को इनके बच्चे कितने ये तक नहीं पता यार, तुम लोग क्या सोच रहे हो, मैं पता नहीं कितना। इनको दो बेटे हैं, अबू बकर और खय्यूम बोलकर, दोनों ने भी दो दो शादियां की। ओ और मैडम ने तो चार, चौथे हस्बैंड का नाम क्या है एग्जैक्टली, तरह बोलेंगे मुझे भी नहीं पता, वो एनक वाला है वो, उनको खान साहब मोहम्मद अली खान नाम है कुछ उसका, वो MEP पार्टी के उसमें दिख रहा था। वो तो नहीं, वो तो अब गायब हो गया ना शायद मेरे, वो भी गायब है, इस्माइल शेख गायब है, अब्दुलरहमान गायब है, वो नौशीन गायब है, सब लोग गायब है ना ये लोग। तो ये एफर्ट नहीं डाल रहे उनको अरेस्ट करने? नहीं, ये तो परसों एक सेकंड पिटीशन डाल के उन लोगों को उसमें FIR में ले लिया ना, परसों तो हुआ है ये। तो यार पुलिस के पास तो सारी इन्फॉर्मेशन होती है। देखिए जब तक इन्हें हैदराबाद की पुलिस कस्टडी में नहीं आएगी, जब तक कोई चीज को डिस्क्लोज नहीं कर सकते ना। अगर डिस्क्लोज करेंगे तो फिर पुलिस कस्टडी कहाँ से देगी कोर्ट? फिर एक नई पंचायत होगी। अब तो जज साहब भी चले गए, पता है आपको, आंध्रा चले गए हैं साहब। वो नहीं आइडिया नहीं, वो जज साहब डिसेंट आदमी थे, उन्होंने ही एफिडेविट का आइडिया दिया था। वो जज साहब आंध्रा चले गए ना। देखो ब्रो, बहुत सारी बातें ऊपर नीचे हुई और अभी तो वो गोबर मुझ पे ही फेंकेंगे फॉर अ रीजन। देखिए क्या है, सिंपल बात है, उनको ये लग रहा था उन्होंने मुझे खरीद लिया। खरीद तो मेरे को किसी ने नहीं लिया भाई, बिल्कुल मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, सरफिरा जाट हूँ मैं। हरियाणा के लोग ना थोड़े सरफिरा होते हैं, या तो किसी के कभी बॉम्बे आया तो जरूर नहीं देते। आप आइए कभी, कभी बॉम्बे आया तो जरूर मिलूंगा, हैदराबाद आया तो आप भी मिलिए। चलिए भगवान के लिए, आप कहते हो, सुनो मेरी बात, आपको जो ये गलत फहमी थी ना, मैं बहुत हंसाता हूँ उससे। अरे भाई अकाउंट तक नहीं खुला, क्या हुआ? मैं मेरी PhD में एडमिशन हो रखा ऑलरेडी। जी जी बोले ना आप। UK में ऑलरेडी जाना है फिर आपको? मैं तो अभी मार्च में, ऑन मार्च ऑनवर्ड जाऊंगा ना मैं भी, मेरे दोस्त है, मैं भी अक्सर हर साल को एक बार तो अमेरिका जाता हूँ, लंदन में तीन चार दिन रुकता हूँ जाते जाते। हाँ मिलेंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इस, उसके बाद ना एक मैंने फिर रामकुमार साहब को सारे प्रूफ भेजे। मैं सर ये जो भी बोल रहा है, कम से कम इस आदमी को ये बोलो मेरे बेटों का नाम है उसमें, वीर स्वराज पहला। अच्छा, दूसरा बेटों का नाम है। हाँ दूसरा हम क्योंकि वी डोंट हैव एनी हाउस इन लंदन, तो जिसका घर नहीं होता, अब जैसे आप अगर इंडिया में अकाउंट खुलाओगे शाहबाज भाई, तो आपको आधार हाउस प्रूफ सब होना पड़ेगा। तो इंडिया हमारा खाता ही नहीं खुला, तो घंटा कुछ चालू ही नहीं है, तो इसके करोड़ों कहाँ लेंगे? और उसमें वो वीर स्वराज के उसमें देखा मैं, फैब्रिक्स भी लिखा हुआ था उसमें। तूने भी ये बोल दिया कि यार बेनामी है, जब नाम है बेटों का भाई। नहीं, बेनामी मतलब हीरा की, जैसा की अर्शद बशीर मद्दी का है। लिसन टू मी, मैं पहले, वी आर वेरी एलिगेंट पीपल, हमें इनके, आई एम सॉरी फॉर दैट, आपके बच्चों का, भाभी का, माँ का, आपका कोई ताल्लुक नहीं है चीजों से, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। एंड मेरी तरफ से, सिंपल बता, मेरी तरफ से आपके घर वालों को भी मेरी तरफ से सॉरी बोल देना, आपके बेटों को खास। टेंशन मत लो, मैं देखो क्या है, गुस्से में होके ना इंसान डेफेमेशन डाल देता, मैंने कभी नहीं डाला। उसका सिंपल रीजन मैंने आपको पहले दिन जब मेरी बात हुई थी वो बताई थी, भाई वकील आएगा जाएगा, किस किस को बदनामी करेंगे हम? बिल्कुल सही। और आप मुद्दे से मत हटा करो, आप मुद्दे पे रहा करो। हाँ वो तो लगा हुआ हूँ, देखो एक्सपोज कर रहा हूँ, तो आखिरी वक्त तक लड़ूंगा इनके साथ। मैं ये कह रहा हूँ आप अपनी सेफ्टी का ध्यान दो, क्योंकि अभी पहले तक तो ये था कि कुछ बाहर नहीं आया था, अब तो तूने सब बर्बाद कर दिया। शाहबाज खान तो नंबर वन हिट लिस्ट पे होगा आई गेस मेरे हिसाब से। हाँ वो तो वो लोग कोशिश करेंगे, बट अभी जो इनकी मुहिम चल रही है ना, DSAs है कुछ 30-40, वो लोग सारा वॉर रूम बना के बैठे हैं, वही माँ बहन कर रहे हैं सबकी, करने दो उनको। तब तक नेक्स्ट, नहीं नहीं सुन लो, नेक्स्ट पुलिस की लिस्ट में DSAs की नाम वाला है, जो इम्पोर्टेंट, जिनके खातों में करोड़ों रुपए गए हैं,
ठीक है, वो लिस्ट मेरे पास भी है क्योंकि पुलिस ने मुझे भी दी थी, दिल्ली पुलिस के पास भी एक थी, दिल्ली पुलिस में अभी कुछ हुआ नहीं है पर वहाँ बहुत बड़ा एक दिल्ली में लोग कंप्लेंट करने जा रहे हैं, वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर्स कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम दिल्ली में राजस्थान में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मेरे भाई। जो आपने ये हैदराबाद है ना, दैट अभी वो महमूद अली साहब होम मिनिस्टर बने हैं, वो तो नहीं मदद कर देंगे इनकी? नहीं यार, यहाँ तो हमने केसीआर को भी एक लेटर लिखा है, नहीं होगा, अब तो ऐसा तो अब नहीं होगा यहाँ पर। आप तेलंगाना के बारे में छोड़ दें, कोई ऐसी चीज नहीं होगी। पर वो रामकुमार साहब जो है ना, वो बहुत ही ठीक आदमी लगा मुझे। हाँ, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, वो काम बहुत सीधा कर रहा है वो। नहीं, उसने तो इनके परकच्चे उड़ा दिए एंड बहुत लोगों की दुआएं लगेंगी साथ में। अच्छा काम कर अविनाश मोहंती साहब। और देखिए एक चीज है, इसमें स्टैंड लेने वाला एक अच्छा पुलिस कमिश्नर चाहिए था। हैट्स ऑफ टू दिस पुलिस कमिश्नर। मैं तो अब न्यूट्रल हूँ ना, बैठ के सोच रहा हूँ। हैट्स ऑफ टू मिस्टर अंजनी कुमार। अंजनी कुमार मोहंती और राम कुमार को तो सलूट करना है सर, इन लोगों ने ना बिके। नहीं, बैठ के तो मैं सलूट कर चुका हूँ और मैं मोहंती साहब से और उनसे मिलके भी आया था, क्योंकि जब मैंने कोर्ट ने मुझे बोला था जाके एक बार अपनी प्रपोजल्स बताओ और ये करो वो करो, तब आई डिस्कस्ड विद देम कि सर शी वांट्स टू पे, बट अब जब पे नहीं कर रहे तो फिर करूंगा क्या मैं? और 24 करोड़ खाते में क्लेम तो बहुत ज्यादा है ना। नहीं वो तो यार एक बात तो समझ में आ रही है, एक का पैसा सारी बात आप 24 करोड़ पे नहीं बोल सकते। एक का पैसा एक को दे रहे थे सर, देखो आप बाद में सब साबित हो जाएगी चीजें पूरी भाई। अब आपने तो अपनी मुहिम चला के और बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज की है, पीपल विल अप्रिशिएट यू फॉर इट। मैं अप्रिशिएट नहीं कर सकता क्योंकि मैं ओपोजिट पार्टी का वकील था, बट समवेयर यू आर डूइंग गुड फॉर सोसाइटी, दैट आई अप्रिशिएट। अब तो यार विनीत जी आप इंडियन सिटीजन हो और सुप्रीम कोर्ट के लायर हो, ना उधर के हो ना इधर के हो। नहीं मैं तो, मैंने ये केस इसलिए छोड़ा फॉर अ रीजन, अननेसेसरी लोगों की परेशानी नहीं देखी जाती भाई अपने से। मेरे को किसी के 20-50 हजार लाख रुपए देने हो ना, रात को नींद नहीं आती। ये लोग तो पैसे लेके सुप करके, अरे यार इन्वेस्टर्स को अभी भी डरा रहे हैं, वो लोगों को समझा रहे हैं बेवकूफ लोग, और वो बेचारे मासूम लोग जो है कंप्लेंट करने आगे नहीं आ रहे। अब ये कंप्लेंट को पैसा मिल जाएगा, वरना पुलिस को पता ही कैसा चलेगा कि ये इन्वेस्टर है। इन लोगों ने तो लिस्ट ही गायब कर दी। नहीं लिस्ट मिल गई ना राम कुमार, 1,75,000 ही है वो लिस्ट में तो सिर्फ। अरे मेरे भाई वही बहुत है, और भी है सर। अब देखिए वो 1,75,000 की कुछ कंप्लेनेंट्स ऐसे है मेरे पास, राम कुमार साहब के पास भी, जो जिसका नाम वो लिस्ट में नहीं है, तो ये कौन सी लिस्ट में हो गए ये कंप्लेनेंट्स? तो व्हाई इज पुलिस नॉट मेकिंग एन एफर्ट टू कॉल द इन्वेस्टर्स? इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे ना, ये लोग इस तरह इन्वेस्टर्स को बरगलाए हैं कि आप लोग आओगे तो 15 साल में पैसा मिलेगा। ये इन्वेस्टर्स को ये पता ही नहीं, भाई लॉ इतना स्ट्रिक्ट है, अभी विद इन 1.5 ईयर इनके सबके पैसे इनके खातों में चले जाएंगे, लॉ इस तरीके का। हाँ आप तो, वो तो समझ में आ गया आप तो, 1.5 साल की डिपॉजिट। मैं रिपीटेडली क्या बोला, मैंने कहा आप कानून पे भरोसा रखो जी, ना मैंने नोएरा शेख की कोई साइड ली, ना मैंने आपकी साइड ली, मैंने यही बोला रिपीटेडली, कानून के ऊपर भरोसा रखो, कानून से सर्वोपरि कुछ नहीं है। शाहबाज खान साहब, मैं भी यही बोल रहा हूँ कि 1-1.5 साल में कंप्लेंट्स के पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन वो लोग मरते जो कंप्लेंट नहीं करे। ऐसा कुछ नहीं है सबके, मतलब कंप्लेंट सब करने लगेंगे, मुझे जो डाउट होने लगा। अब तो रोक, आप देखिए आज कम से कम 17 कंप्लेंट्स आए मेरे पास, आज मैंने भिजाया उन लोगों को कमीशन ऑफिस और डीसीपी ऑफिस को। हाँ नहीं, थ्रू आउट दी कंट्री आने शुरू हो जाएंगे। मेरे को तो देखो टू बी ऑनेस्ट आई वॉज डूइंग देयर डिफरेंट काइंड, इन्होंने वो उरी मार्टर्स को सम्मान किया, चलो मैंने हेल्प कराई इनकी ऑर्गेनाइज कराने में, मुझे लगा ये अच्छा काम करना चाह रहे हैं, मुझे थोड़ी आइडिया था कि एट दी एंड ये चीजें निकलेंगी बार भाई। चलिए चलिए विनीत जी, फिर अभी बात करते हैं, चलो इस ताल्लुक से बात ही खत्म कर देते हैं। मैं तो आगे से इस बारे में बात नहीं करेंगे। यू एंजॉय योर लाइफ एंड यू हैव अ हैप्पी न्यू ईयर एंड वेरी मच, मे ऑलमाइटी ब्लेस यू एंड योर फैमिली विद हैप्पीनेस। कभी हमारा सुप्रीम कोर्ट में कोई केस आ जाए तो हमारी तरफ से फिर लड़ लेना बस। नहीं मैं अभी देखो वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं आपकी तरफ से लड़ नहीं पाऊंगा, बट आई कैन सम गुड। नहीं हीरा का नहीं बोल रहा हूँ भाई, कोई दूसरी केस हीरा का तो बाकी नहीं करेंगे आज के बाद। हाँ नहीं कुछ भी हेल्प लगेगा। मैं देखिए समाज की सुधार के लिए आपको कभी कुछ लगे भाई आधी रात को कॉल करेंगे। कभी, कभी कम्युनिटी के लिए कोई अच्छा PIL UIL डालना है तो ये अप्रोच करूंगा। ये हीरा का आप आदेश कर दीजिएगा, कर दूंगा मैं उसको, टेंशन नहीं। थैंक्स अ लॉट सर। चलिए ओके, थैंक यू बॉस।